हेलो एवरीवन मेरा नाम है निशु मैं आपका स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल ओमकार लर्निंग प्लेटफॉर्म में आज का हमारा टॉपिक है एलगी इससे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम कवर कर चुके हैं अगर आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखें साथ ही मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं सो लेट स्टार्ट एलगी एलगी आर क्लोरोफिल कंटेनिंग थैलोफाइटा एंड आर करैक्टराइज बाय दबसेंस ऑफ एम्ब्रियो स्टेज एंड प्रेजेंस ऑफ यूनिसेल नॉन जैकेट गैमिटेंजिया बेसिकली एलगी क्लोरोफिल कंटेनिंग थैलोफाइटा होते हैं थैलोफाइटा वो होते हैं जिनकी प्लांट बॉडी को हम रूट शूट और लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते और जिनके अंदर बेसिकली एम्ब्रियो अपसेंट होता है उनको हम एलगी बोलते हैं और यहाँ पर बेसिकली यूनिसेलुलर नॉन जैकेट गैमिटेंजिया होते हैं गेमिटेंजिया वो ऑर्गन होता है या फिर वो सेल होता है जो आगे चलकर कर गैमिट्स की प्रोडक्शन करता है द स्टडी ऑफ एल्गी इज़ कॉल्ड एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी हम एल्गी की स्टडी को एल्गोलॉजी एज वेल एज़ फाइकोलॉजी भी बोल सकते हैं इसके अलावा इसके कुछ करैक्ट्रिस्टिक फीचर होते हैं जैसे कि एलगी आर यूजुअली एक्वाटिक आइदर मेराइन और फ्रेश वाटर और मे अगर इन्हें वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स लाइक मोइस्ट स्टोन सोइल और वुड एलगी यूजुअली एक्वाटिक होती है चाहे वो मेराइन हो चाहे वो फ्रेश वाटर हो इसके अलावा वो नंबर ऑफ हैबिटेट में भी रह सकती है जैसे कि मोइस्ट स्टोन सोइल एंड वुड सेकंड है रिजर्व फूड इज मेनली स्टार्च यहाँ पे बेसिकली जो रिजर्व फूड होता है वो स्टार्च होता है थर्ड है वेस्कुलर टिश्यू आर अप्सेंट इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू जो जाइलम एंड फ्लोयम यहाँ पे अपसेंट होते हैं फोर्थ है बीन एक्वाटिक वॉटर कंडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड इवन इन गेंट फोम यहाँ पर क्योंकि एक्वाटिक नेचर होता है तो इनको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती चाहे वो कितनी भी बड़ी फॉर्म क्यों ना हो उसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन इज़ ऑटोट्रोफिक एलगी का जो नेचर होता है वो ऑटोट्रोफिक नेचर होता है क्योंकि एलगी के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से या जिसकी हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर सकती है और जो प्लांट या जो मेंबर अपने फूड की सिंथेसिस खुद कर सकते हैं उनको हम ऑटोट्रोफिक बोलते हैं नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय मीन ऑफ फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे जो बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है मीन्स इनकी प्लांट बॉडी छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाती है और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो यही छोटे छोटे फ्रेगमेंट पूरी प्लांट बॉडी में डिवलप हो जाते हैं नेक्स्ट है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय मीन ऑफ माइटोस्पोर लाइक जूसपोर्स एप्लानोस्पोर हाइपनोस्पोर एकाइनेट्स पाल्मीला स्टेज एक्सेट्रा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और भी मेथड हैं जैसे कि जूस जूसपोर्स की प्रोडक्शन करना अप्लानो अपलानोस्पोर्स की प्रोडक्शन करना हाइपनोस्पोर्स की प्रोडक्शन करना एकाइनेट्स की प्रोडक्शन करना और पाल्मीला स्टेज की प्रोडक्शन करना उसके अलावा सेक्स ऑर्गन आर नॉन जैकेट दे आर यूनिसेलुलर यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो यहाँ पर बेसिकली ऑर्गन आना था ये गलत प्रिंट हो गया है सेक्स ऑर्गन नॉन जैकेट मतलब कि उनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती और वो यूनि सेलुलर होते हैं सम केसेस में सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर भी होते हैं जैसे कि चारा एवरी सेल इज़ फर्टाइल जितने मल्टी सेलुलर के केस में सभी के सभी सेल फर्टाइल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूज़न मीन यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वहाँ पे जो डिफरेंट गैमीट्स होते हैं उनकी फ्यूज़न होती है दैट मे बी आइसोगी एनाइसोगी एंड ऊ गैमी इन डिफरेंट ग्रुप सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट्स की जो प्रोडक्शन होती है वो फ्यूज़न शो करते हैं जो बाद में जाके न्यू प्लांट बॉडी की प्रोडक्शन करते हैं नेक्स्ट है लाइफ साइकिल वेरियस टाइप हेप्लोंटिक डिप्लोन्टिक और डिप्लो हैप्लोंटिक मीन्स इनकी लाइफ साइकिल ये डिफरेंट मेंबर डिफरेंट लाइफ साइकिल को शो करते हैं कुछ हैप्लोंटिक मतलब कि जिसमें सिर्फ हेप्लोइड फेस ही आता है मीन्स जहाँ पे गैमिटोफाइटिक प्लांट बॉडी ही होती है कुछ डिप्लोन्टिक जहाँ पे सिर्फ डिप्लोन्टिक प्लांट बॉडी की प्रोडक्शन होती है जिसको हम स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी भी बोलते हैं इसके अलावा डिप्लो हैप्लोंटिंग मीन्स जिनकी लाइफ साइकिल के अंदर हैप्लोइड एज वेल एज डिप्लोइड दोनों फेस आते हैं उनको हम डिप्लो हैप्लोंटिक फेज़ बोलते हैं सो थैंक यू अगर आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए हैं तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप की एलगी जैसे कि रेड एलगी, ग्रीन एलगी, ब्राउन एलगी इनके करैक्टरिस्टिक फीचर के बारे में पढ़ेंगे जो नीट एज वेल एज़ एम्स लेवल से इम्पोर्टेंट है सो so, तब तक के लिए कीप लर्निंग थैंक यू